हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है अविनाश अग्रवाल और ये है जिज्ञासा वीडियो सीरीज का एक नया वीडियो। जिज्ञासा हमारी डेली करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू सीरीज है, जिसके माध्यम से हम आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं। हिंदू, मिंट, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, पीआरएस, बिजनेस स्टैंडर्ड, ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, इन्हें आपको पढ़ना चाहिए। इन्हीं इंपॉर्टेंट सोर्सेज के अंदर से यूपीएससी रेलेवेंट आर्टिकल्स हम चुनते हैं और उन चुने हुए आर्टिकल्स के अंदर से क्वेश्चन बना के आपके सामने ला रहे हैं। यदि आप जिज्ञासा डेली बेसिस पर देखते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, उन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का कवरेज, उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का कवरेज, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उससे रिलेटेड आप नोट्स बना लेते हैं, कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए, कितना ध्यान देना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे काम करना चाहिए, मार्क्स निकालने के बारे में कैसे काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपसे मेन्स टाइप के क्वेश्चन पूछने लग रहे हैं, मेन्स टाइप की आपकी तैयारी करवाने लग रहे हैं। आपको ऐसे सवाल पूछे जिनका जब आप जवाब देते हैं तो आपको आगे चलते हुए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हर प्रकार से यूपीएससी के पूरे पूरे प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ ये डिस्कशन करने लग रहे हैं। क्रैश कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है, जिसके अंदर हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, हैंडआउट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यदि आप एकदम नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं लेकिन आपकी तैयारी फॉर एनी रीजन ठीक से नहीं हुई थी, तो ये अब आपके लिए मौका है कि 90 डेज के अंदर 150+ आवर्स के वीडियोज आप देखकर नोट्स आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड आप कर लेंगे उन नोट्स को, प्रिंट आप कर लेंगे उन नोट्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सारे सॉल्व करवा दिए जाएंगे, एमसीक्यूज आपसे बहुत सारे सॉल्व करवा दिए जाएंगे। तो हम आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से टोटल पैकेज डिलीवर कर देंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम ओरिएंटेड, रिलेटेड क्वेश्चन आपके पुराने वाले सॉल्व करवा देंगे, नए वाले क्वेश्चंस की आपसे प्रैक्टिस करवा लेंगे, सच दैट की कम 30th में कम प्रीलिम्स एग्जाम इन 2020 और आप पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। दो मॉड्यूल आप चूज कर सकते हैं, स्टैटिक वाला मॉड्यूल जिसका प्राइस है 4999। जस्ट इमेजिन पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस इन योर हैंड्स, एट योर डिस्पोजल, एट 4999। बहुत ही शानदार ऑफर आपके लिए, जिसको आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। और आप स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स कर लेंगे जो कि समझदारी रहेगी, तो आप 8999 के अंदर आपको पूरा पूरा पैकेज मिल जाएगा, जिसके अंदर 100% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। 8th शेड्यूल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, लाइसोसोमल डिजीज डिसऑर्डर्स, चालाकेरे, एज वेल एज इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट्स, ये आज के टॉपिक्स है जो हमें आज कवर करने हैं। 35 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है इन द प्रीलिम्स एग्जाम फ्रॉम करंट अफेयर्स सेक्शन, यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज करंट अफेयर्स को है। देयरफोर करंट अफेयर्स के ऊपर रोज काम करना है, देयरफोर आपको जिज्ञासा रोज देखनी है और हर जिज्ञासा में 5 नए टॉपिक कवर करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप रोज देखेंगे तो आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बिल्स, एड्स, अमेंडमेंट, कोई भी न्यूज में हम उसके बारे में बात करेंगे, कोई भी जगह का नाम न्यूज में है, कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन बहुत ज्यादा डिस्कस करी जा रही है उसके बारे में हम कंप्लीट बातें करेंगे, कोई भी डिजीज, कोई भी अगेन जगह, कोई भी स्पेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट खबर आई है तो उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। आइडिया ये है कि 25 डोमेन्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर, जैसे स्पेस के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, डिजीज के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। तो हम रोज हर प्रकार का क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सब्जेक्ट से, यही हमारा अप्रोच है। आज मैंने आप लोगों के पिछले दिए हुए आंसर्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करा था, क्योंकि वीडियो के व्यूइंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो जो आप लोग जवाब देने लग रहे हैं, चाहे राजेश जी हो, अमित जी हो, जितने भी लोग जवाब देने लग रहे हैं, आप लोग जवाब देना कंटिन्यू रखेंगे और आज भी आप लोग जवाब देंगे, आगे चलते हुए हमारा नॉर्मल प्रोसेस को हम लोग ट्रैक के ऊपर लेकर आएंगे। आज आपको मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है लैंग्वेजेस के बारे में, 8th शेड्यूल के बारे में, सबसे पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ। द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल छपा ओपिनियन के अंदर, और उस आर्टिकल के अंदर बात करी गई कि कौन से लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल के अंदर है, और बताया गया कि कई सारे लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल के अंदर होने चाहिए लेकिन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो आर्टिकल के अंदर ये लिखा जा रहा था कि ये लैंग्वेजेस के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों करा जाने लग रहा है, ये लैंग्वेजेस के साथ फेवरेटिज्म क्यों करा जाने लग रहा है। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, नॉट ओनली फ्रॉम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर हिंदू के अंदर कॉमेंट्स के अंदर ओपिनियन के अंदर अगर इतना बड़ा आर्टिकल आ जाता है और उसके अंदर डिटेल डिस्कशन होने लग जाता है इन चीजों के बारे में, देयरफॉर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि हम उस चीज को, उस टॉपिक को पूरा पूरा अच्छे से उसको हम समझ लें। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। आपके सामने 3 लैंग्वेजेस रखे गए हैं, भोजपुरी, कश्मीरी और तुलु। आपको बताना है कि इन लैंग्वेजेज, जो 3 लैंग्वेजेज में, इनमें से कौन सा है 8th शेड्यूल का पार्ट। आप जानते हैं 8th शेड्यूल, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुल मिला के 12 शेड्यूल्स हैं और उन शेड्यूल्स के अंदर हमने अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करे हैं। 8th शेड्यूल के अंदर हम लोग ने लैंग्वेजेस लिखे हुए हैं कि कौन से जो लैंग्वेजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑफिशियल रिकग्निशन कौन से लैंग्वेजेस को मिला हुआ है, उनको हमने 8th शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस को रखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर 22 लैंग्वेजेस को हमने रिकग्निशन दे रखा है।
क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ये जो दी गई तीन लैंग्वेजेस आपके सामने, भोजपुरी, कश्मीरी, तुलू, ये कौन सी इनमें से जो है उस 8th शेड्यूल के 22 लैंग्वेजेस के ग्रुप के अंदर बिलोंग करती है। ऑप्शन आपके सामने लगा दिए हैं, 1 only 2 only 3 only 1 2 and 3। आप अपना आंसर को सिलेक्ट कर लीजिए। आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आंसर इस क्वेश्चन का है बी, यानी कि कश्मीरी है, पहला और तीसरा नहीं है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आगे एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप नोटबुक और पेन उठा लीजिए और जो चीज़ें बोल्ड करी हुई है उनको आपको लिखना है। उतना ही केवल अगर आप लिख लेंगे तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे, ये मेरी आपको पक्की प्रॉमिस है। अब आप देखिए कि 2001 के सेंसस के हिसाब से अगर हम बात करें तो 30 लैंग्वेजेस ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनको मिलियन पीपल से भी ज़्यादा, यानी कि 10 लाख लोगों से भी ज़्यादा बात करने लग रहे हैं उस लैंग्वेजेस के अंदर। 122 लैंग्वेजेस जिसमें एटलीस्ट 10,000 लोग बात करने लग रहे हैं, लेकिन हमने केवल 22 लैंग्वेज को रिकग्निशन दे रखा है इन द 8th शेड्यूल, इंक्लूड कर रखा है इन द 8th शेड्यूल। तो मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी और लैंग्वेजेस हैं जिनको कवर करा जा सकता है लेकिन उनको कवर नहीं करा गया है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, वो तो उस टॉपिक के ऊपर मैं आऊँगा, लास्ट में आऊँगा इसी टॉपिक के ऊपर, लेकिन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट अब चीज मैं आपको क्या लिखवाना चाहता हूं, मेरा रिक्वेस्ट क्या है आपसे कि आप चाहे तो वीडियो पॉज करते करते चलिए, लेकिन आर्टिकल 120 के आगे आप लिख दीजिए लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, आर्टिकल 210 लिख दीजिए उसके आप आगे लिख दीजिए लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेचर, आर्टिकल 343 लिख दीजिए और उसके आगे लिख दीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो ये आपने टाइटल डाल दिया। अब जो 120 है उसके आगे अगर आप लिख देते हैं हिंदी और इंग्लिश, तो आपको इससे मालूम पड़ जाएगा कि पार्लियामेंट के अंदर कौन सी लैंग्वेज के अंदर काम करना है, हिंदी इंग्लिश के अंदर काम करना है। समझे आप मेरी बात को? तो इस प्रकार से आर्टिकल 120 आपको याद हो जाएगा और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है इसके ऊपर। ठीक है, आर्टिकल 210, 120, 210, 12, 21 ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, याद हो जाएगा आपको आसानी से। वो स्टेट लेवल के ऊपर बात करने लग रहा है और वो स्टेट लेवल के ऊपर ये चीज़ बताने लग रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज उस स्टेट की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, हिंदी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ने वाले हैं, मैं जानता हूं आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ने वाले हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग क्रैश कोर्स के अंदर इकोनॉमी सीखने वाले हैं, हमारे क्रैश कोर्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें कवर करवाई जाएगी, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और मौका मिल रहा है हमारे को स्टैटिक को अच्छा कर लेने का, स्ट्रांग कर लेने का, तो मौके को हमारे को गिव अप नहीं कर देना चाहिए, उसके ऊपर काम कर देना चाहिए, चौका लगा देना चाहिए ताकि एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स हम निकाल सके। आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के बारे में बात कर रहा है, हिंदी के बारे में बात कर रहा है, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स को हम लोग यूज करने वाले हैं उसके बारे में आर्टिकल 343 बात करने लग रहा है। आर्टिकल 344 बोल रहा है कि भाई कमेटी सेटअप करेंगे, कमीशन सेटअप करेंगे, किस चीज के लिए कमीशन कमेटी को सेटअप करा जाएगा, भाई प्रेसिडेंट सेटअप करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेसिडेंट सेटअप करेगा, क्यों सेटअप करेगा, प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेज ऑफ यूनियन को प्रमोट करने के लिए उस कमीशन के अंदर, उस कमेटी के अंदर हर टाइप के लैंग्वेज का बंदा जो है उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसको हम मेंबर बनाएंगे ताकि एक प्रकार से एक डाइवर्स प्रकार की बॉडी बने और हिंदी को प्रमोट हम कर सके। 345 बोलता है ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट, तो कैसा हो सकता है कि एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस इन यूज इन द स्टेट और हिंदी कैन बी कैन लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कैन अडॉप्ट एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, कि हिंदी वाली को हिंदी को कर सकते हैं या उस स्टेट के अंदर बोली हुई कोई भी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सकता है। तो कई स्टेटों ने मल्टीपल लैंग्वेजेस को अपना स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दे रखा हुआ है। आर्टिकल 347 बोलता है कि स्पेशल प्रोविजन इनैक्ट करे जा सकते हैं लैंग्वेजेस के लिए विच आर स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि अगर वो सेटिस्फाइड है कि प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिजायर करते हैं कि उनकी लैंग्वेज को यूज़ करना है हमारे को, उनको रिकग्निशन मिलना चाहिए उनकी लैंग्वेज को, तो वो रिकग्निशन प्रोवाइड करा जा सकता है। आर्टिकल 348 बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी जाएगी, काफ़ी बड़ा चौड़ा ये प्रोविजन है, इसके अंदर सिंपल बात यह है कि इंग्लिश को यूज़ करना है, काफ़ी लंबे टाइम तक इंग्लिश चली आ रही है। आर्टिकल 350 बोल लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिड्रेस ऑफ ग्रीवांस, यानी कि अगर मुझे कोई तकलीफ है और मैं कोई यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता हूं तो मैं कोई भी भाषा के अंदर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता हूं, लैंग्वेज इज नो बार, चाहे मैं कोई भी एरिया के अंदर, कोई भी पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर हूं, मैं जिस भाषा में कंप्लेंट अपनी रजिस्टर करवा सकता हूं उस भाषा में मेरे पास हक है कि मैं अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकूं। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 350, ये सारे आर्टिकल्स की हेडलाइंस एटलीस्ट आपको लिख लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स है, सारे लैंग्वेज से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। कि देखिए 350A क्या बोलने लग रहा है कि हर एक स्टेट लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी उनके एरिया के अंदर रहने लग रही है उनको मदर टंग के अंदर जो है स्कूलिंग टीचिंग की अपॉर्चुनिटी मिले, ये प्रोवाइड करना जो है स्टेट लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 350B बोल रहा है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपॉइंट करना प्रेसिडेंट का काम है। ये ऑफिसर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा मैटर्स को, कौन से मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करेगा कि भैया लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को ध्यान में रखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन इनकॉर्पोरेट करें वो
क्या वो प्रोविजंस बराबर ढंग से बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को जो है पार्लियामेंट के ऊपर टेबल करेगा। ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है, दोनों हाउसेज के अंदर हमारे को ये प्रकार की रिपोर्ट को सबमिट करवाना है। उसके अलावा आर्टिकल 351 क्या बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज करवाना हमारी जिम्मेदारी है, तो यूनियन को जिम्मेदारी दी गई है कि तुम प्रमोट करोगे हिंदी के यूजेज वगैरह को, हिंदी के अंदर तुम अन्य अन्य प्रकार के लैंग्वेजेस से वोकैबुलरी लाओगे और उसको इंट्रोड्यूस करवाओगे, अन्य लैंग्वेजेस को हिंडर नहीं करोगे, हिंदुस्तानी को बहुत ज़्यादा जो है उसका मॉडिफिकेशन नहीं कर दोगे लेकिन हिंदी को तुम प्रमोट करोगे। तो हिंदी केवल के ऊपर आर्टिकल 351 के अंदर बात करी गई है, 344 के अंदर बात करी गई है, ये चीज़ को आपको खास नोट डाउन करना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि इंडिया के अंदर जो 8th शेड्यूल है तो उसके अंदर कौन सी लैंग्वेजेस को हमने इनकॉर्पोरेट करा हुआ है, तो 22 लैंग्वेजेस के नाम आपके सामने रख दिए और ये 22 लैंग्वेज के नाम आपको लिखने चाहिए। प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या लिखनी चाहिए, SKMN लिखना चाहिए, BDMS लिखना चाहिए। SKMN BDMS क्या है, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, BDMS यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली, ये ओरिजिनल जो थे हमारे 8th शेड्यूल के अंदर नहीं थी। तो ये SKMN BDMS यानी कि जो 8 लैंग्वेजेस हैं, इन 8 लैंग्वेजेस को बाद में अमेंडमेंट द्वारा ऐड करा गया है, और ये ऐड जब करा गया है, अलग से ऐड इनको करा गया है, तो इनको आपको अलग से नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो 14 आपको नोट डाउन करना चाहिए, प्लस एस प्लस KMN प्लस BDMS, इस प्रकार से करके आपको करना चाहिए। अब मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि SKMN BDS के अंदर फंस मत जाइएगा। अब देखिए, एस यहाँ पर सिंधी है लेकिन एस से सांभलपुरी भी इनकॉर्पोरेट होना चाहती है लेकिन हो नहीं पा रही है, शुअर सेनी यानी कि प्रकृत भी इनकॉर्पोरेट होना चाहती है लेकिन हो नहीं पा रही है, कोंकणी के से अगर आप देखेंगे तो करबी, कमटापुरी, कच्छनी, कच्छछी हो रही है, इस प्रकार की खासी, करबी, कोडावा, ये प्रकार की जो लैंग्वेजेस है, कोक, बराक, कुमाऊनी, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस, कुराक, कुरमाली, के से बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही है। मणिपुरी है, हो गई है लेकिन मीजो नहीं हुई है, मगही नहीं हुई है, मुंडारी नहीं हुई है, ठीक है, नेपाली हो चुकी है लेकिन नागपुरी नहीं हुई है, निकोबारीज नहीं हुई है, उसके अलावा बोडो हो चुकी है लेकिन बंजारा, बजिका, भोजपुरी और इस प्रकार की लैंग्वेजेस नहीं हुई, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसके अंदर कश्मीरी है, आपको तेलुगु और तुल्लू के बीच में कंफ्यूज नहीं हो रहा, तेलुगु अलग है, तुल्लू अलग है, तुल्लू को इनकॉर्पोरेट नहीं करा गया है, उसको इनकॉर्पोरेट करने की डिमांड है, उसी के ऊपर आर्टिकल छपा है। तो जब आपको सारी जानकारी समझ में आ चुकी है, अब आप देख लीजिए कि लैंग्वेजेस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके बारे में बार बार में बात करी गई और यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बताने वाला हूं। यूनेस्को वालों ने क्या करवाया कि ये येवलू प्रोक्लेमेशन करवाई, येवलू प्रोक्लेमेशन के अंदर उन्होंने क्या बोला, लिंग्विस्टिक डायवर्सिटी को अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से इंक्लूजन होगा, पार्टनरशिप होगी, उसकी वजह से इनइक्वालिटी कम होगी, उसकी वजह से एजुकेशन बेहतर होगा, उसकी वजह से इंक्लूजन बेहतर होगा, तो डिसीजन मेकिंग बेहतर होगा, तो सारे सारे समाज को, पूरे पूरे सोसाइटी को होलिस्टिक तौर से हमारे को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। और यही चीज ध्यान में रखते हुए येवलू प्रोक्लेमेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके एसे के अंदर लिखकर आते हैं, GS1 के अंदर डायवर्सिटी का क्वेश्चन टैकल करते हुए येवलू प्रोक्लेमेशन के बारे में लिखकर आते हैं, एग्जामिनर आपको एकदम एक्स्ट्रा नंबर देगा, ये बात मेरी आपके पक्की लिखवा के ले दीजिए। अब जहाँ तक बात रही कि 8th शेड्यूल में किसको रखना है किसको नहीं रखना है, भैया ये बहुत पंगे वाला मैटर है, पहावा कमेटी इसका जवाब पूरी तरीके से नहीं दे पाई, सीताकांत मोहापात्रा कमेटी इसका जवाब पूरी तरीके से नहीं दे पाई कि क्या एग्जैक्ट हमारे को क्राइटेरियाज यूज करने चाहिए, कौन से क्राइटेरियाज केवल को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्शियस है कि लोगों की फीलिंग्स है, लोगों के सेंटीमेंट्स अटैच विद देयर लैंग्वेज है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा फूंक फूंक के और ध्यान रख के कदम उठाने की कोशिश कर रही है, सच दैट कि कोई भी लैंग्वेज को पीछे ना छोड़े और इस प्रकार से अच्छा काम की कोशिश कर रही है, ये आपको बोलना चाहिए। अब जब मैंने आपको ये सारा का सारा ज्ञान दे दिया और आपको रिक्वेस्ट करा है कि आप लिख लीजिए सारी चीजों को, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, भोजपुरी नहीं है, कश्मीरी है, तुलू नहीं है, एयरफोर द आंसर कैन बी ओनली एंड ओनली बी। ये स्लाइड्स के अंदर से 122, 10, 343, 344, 345, 347, 348, 350, 350A, 350B, 351 एज वेल एज ये लिस्ट्स, इनके ऊपर से 10 सवाल और बन सकते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करने लग रहा हूं कि ये सारे आर्टिकल्स आपको लिख लेने चाहिए, इन आर्टिकल्स के अंदर का मेजर प्रोविजंस आपको लिख लेना चाहिए, और आपको जो लक्ष्मीकांत के अंदर लिंग्विस्टिक प्रोविजंस वाला चैप्टर उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको मेंस ऑर्डर देना चाहूंगा। मेंस ऑर्डर क्या है कि सिविल स्टैप वालों का अप्रोच है, हम आपका केवल प्री नहीं क्लियर करवाना चाहते, मेंस क्लियर करवाना चाहते, रैंक निकलवाना चाहते हैं, इसीलिए हर प्रोग्राम हमने आपके लिए इसीलिए चालू करा है कि आपका रैंक निकले। तो पॉइंट ऐसा है कि ये जो इंपॉर्टेंट वाला डिक्लेरेशन है इसको आप एग्जाम के अंदर यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन पूछता हूं जो कि मेंस के अंदर पहले पूछा जा चुका है और आप भी इसके बारे में सोच के YouTube के ऊपर कमेंट करके जवाब देंगे। पॉइंट यह है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी को सेटअप करा गया था, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर हमने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करा।
आपको बताना है कि जो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करा उससे इंडिया की यूनिटी बढ़ी या घटी. व्हाट आर द प्रोस ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड व्हाट आर द कॉन्स ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. आगे चलते हुए क्या हमारे को केवल केवल लिंग्विस्टिक बेसिस पे काम करना चाहिए या कोई और बेसिस पे काम करना चाहिए, आपकी क्या राय है इसके बारे में. इस प्रकार का क्वेश्चन आई थिंक 2017 के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है इन GS1 ऑफ मेन्स, और यही चीज मैं आपको पूछ रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर कहाँ है. अगर आपको नहीं मिल रहा तो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर कहाँ है. सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी खोलिए 12th क्लास की, उसके अंदर आपको मिलेगा. बहुत ही प्यारी वाली एनसीईआरटी है जिसके अंदर बहुत शानदार ढंग से सारी चीजों को डिस्कस करा गया, लेकिन जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है. मैंने आपको पूरा पूरा रास्ता बता दिया है. मूविंग अहेड मैं आपको परिश्रम टेस्ट सीरीज के बारे में डिटेल बता देना चाहता हूं. छोटा वाला 24 फुल लेंथ टेस्ट तो है ही है, 2400 क्वेश्चंस है ही है. उसके अंदर हम आपको पूरा पूरा करंट अफेयर्स का कवरेज करवाने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्री प्लस मेंस वाला अप्रोच है. हम आपको मेंस फोल्डर प्रोवाइड कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और हम आपको बता रहे हैं कि उसको आप मेंस एग्जाम के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं. तो टेस्ट आपको दे देंगे 8 घंटे का वीडियो सॉल्यूशन पर टेस्ट आपको दे देंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन आपको दे देंगे, मेंस फोल्डर आपको प्रोवाइड कर देंगे, लिंक आपको दे चुके हैं ताकि आप परिश्रम टेस्ट सीरीज एज वेल एज क्रैश कोर्स के बारे में पूरा डिटेल निकाले. दीपक सर का आप कल का सेशन जरूर सुनिएगा जिनके अंदर उन्होंने आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करी है कि आपको प्रीलिम्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए. कोई भी डाउट है कॉल करिए, मेल करिए, हम आपका डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी थी बीच में ईरान को कि अगर तुमने हमारे अगेंस्ट कुछ भी करा तो तुम्हारे 52 साइट्स के ऊपर हम हमला करेंगे, और जो 52 साइट्स के ऊपर तुम्हारे हमला करेंगे तो तुम्हारा कल्चरल हेरिटेज को है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे. ऐसा काम तालिबान करता है, और अगर इस प्रकार की बातें अलकायदा ऐसा काम करता है, आईसीस वाले ऐसा काम करते हैं. शोभा बिल्कुल नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप को इस प्रकार का स्टेटमेंट देना. और उनके जो माइक पोम्पियो हैं जो उनके एडवाइजर है, उन्होंने इमीडिएटली बाद में बोला कि अमेरिका जो है कोई भी इस प्रकार का इलीगल कदम नहीं उठाएगा. लेकिन पॉइंट एक, जब इतनी बात बोल दी गई है तो इंडियन एक्सप्रेस के बारे में अंदर इसके बारे में आर्टिकल छप गया, और उस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करे गए इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट्स विद इन ईरान. जब वो डिस्कस कर रह चुका है इन द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन बना के लेकर आया हूं, क्योंकि यूपीएससी आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है. डिस्प्यूटेड एरियाज, झगड़े वाले एरियाज, न्यूज़ में रहने वाले एरियाज के ऊपर हर साल 1 से 2-3 सवाल तो आता ही आता है. तो ध्यान में रखते हुए मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है. मैंने आपको 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाए, और क्वेश्चन बहुत ईजी है. मैं आपको बताऊंगा कैसे ईजी है. मैदान इमाम, गुलिस्तान पैलेस, पालमायरा, तख्त ए सुलेमान, ठीक है. तो ये मैंने आपको 4 साइट्स बता दिए. आपको बताना ये 4 में से कौन से ईरान के अंदर लोकेट है. बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन, मैं आपको बताऊंगा कैसे. आप सोचेंगे कि कैसा बकवास क्वेश्चन बना के लाए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन बना के लाया हूं. बहुत इजी है. आपका जो भी आंसर उसको आप लॉक करेंगे, आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूं. आंसर इसका है 1, 2 एंड 4. पालमायरा जो है सीरिया के अंदर है. सीरिया के अंदर पालमायरा को आईसीस वालों ने बर्बाद करा था, और जब पालमायरा को बर्बाद करा गया था सीरिया के अंदर आईसीस द्वारा, तब पूरे पूरे विश्व भर के अंदर इसके बारे में न्यूज छपी थी. आपको और कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है मुझे मैदान इमाम के बारे में, गोलिस्तान पैलेस के बारे में, तख्ते सुलेमान के बारे में. मैंने नहीं पढ़ा है इंडियन एक्सप्रेस का वो आर्टिकल जिसके अंदर ये चीज बताई गई है. ठीक है, होता है, मिस हो जाता है. लेकिन अगर मेरा पुराना भी थोड़ा सा कवरेज ठीक है, मेरे को थोड़ी बहुत चीजें आती है, मेरे को मेजर पुराना वाला करंट अफेयर्स मालूम है, सीधा मैं उठा के पालमायरा को एलिमिनेट करता था, 3 के ऊपर क्रॉस लगाता था. आंसर कैन बी ओनली एंड ओनली सी. इसीलिए मैंने चिल्ला के बोला था कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है. डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बदतमीजी करी थी वो तो मैंने आपको बता ही दिया है. पॉइंट ऐसा है कि ईरान के अंदर जो है बहुत सारे पुराने पुराने साइट्स हमारे को देखने को मिलते हैं, जो 10,000 BC तक के साइट्स हमारे को देखने को मिलते हैं, और ये अरब, पर्शियन, तुर्किश एज वेल एज साउथ एशियन कल्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है. 24 साइट्स ईरान के अंदर जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आते हैं. उसके अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैदान इमाम, मस्जिद जामे, गुलिस्तान पैलेस, पसार गाडे एज वेल एज पेरिस पोलिस एज वेल एज तख्ते सुलेमान. तो ये क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी मैंने आपको दे रखा है. लेकिन इतना ज्यादा आपको ईरान के आर्ट एंड कल्चर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है. आप ईरान के सिविल सर्विसेज में तैयारी नहीं कर रहे, आप इंडिया के सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करें, लेकिन फिर भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए. अब इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई कानून नहीं है इन सारी चीजों के लिए. कानून है, कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. आपका मेरा झगड़ा हो जाए इसका मतलब ये नहीं हम लोग घर तोड़ डालेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आजू बाजू वाले घरों के ऊपर हमला कर देंगे, ऐसा हम एक दूसरे के मंदिर जला दें, मस्जिद जला दें, ऐसा काम हमारे को वॉर के दौरान भी करना
अलाउड नहीं है। क्यों बनाया ये कन्वेंशन? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान बहुत ही बदतमीजी से और बेरहमी से कल्चरल हेरिटेज को बर्बाद करा गया था, को ध्यान में रख के 1954 द हेग के अंदर हमने ये कन्वेंशन बनाया, जो कि पहली इंटरनेशनल ट्रीटी है इस प्रकार की जो कि कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करती है। कल्चरल हेरिटेज का डेफिनेशन क्या है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके अंदर 133 सिग्नेटरीज है, जिसके अंदर यूएस भी है, ईरान भी है, इंडिया भी है, तीनों के तीनों ने इस कन्वेंशन को साइन करा है। क्वेश्चन आपको इस कन्वेंशन के ऊपर भी पूछा जा सकता है और आपको ये चीज मालूम होना बहुत जरूरी है कि इसको 1954 में बनाया था, यूनेस्को के अंदर बनाया गया था, हेग के अंदर इसको साइन करा गया था और इंडिया ने जो है इसको भी साइन करके रखा हुआ है, रेटिफाई करके रखा हुआ है। कुछ चीज को ध्यान में रखते हुए पूरा को मैंने बता दिया है। उसके अलावा रोम स्टैट्यूट ऑफ 1998 भी बात करता है, ये वही रोम स्टैट्यूट है जिसके माध्यम से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बनाया गया था, जिसने 2002 में अपनी फंक्शनिंग चालू करी, जिसको इंडिया ने ना रेटिफाई करा है ना साइन करा है, कुछ भी नहीं करा हुआ है। और इस रोम स्टैट्यूट के अंदर भी बताया गया है कि तुम वॉर के दौरान किसी भी प्रकार के कल्चरल साइट को डैमेज वगैरह नहीं करते हो, और अगर तुम करते हो तो उसको वॉर क्राइम बोला जाएगा। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बात बोली कि हम तुम्हारे 52 साइट्स के ऊपर हमला करेंगे, तो इमीडिएटली ईरान ने बोला कि तुम वॉर क्राइम्स की बात करने लग रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप ने 52 की बात क्यों करी, 52 के अंदर ऐसा क्या खास है? जब ईरान ने यूएस एम्बेसी को कैप्चर कर लिया था, यूएस एम्बेसी के आजू बाजू में तेहरान के अंदर घेराबंदी कर ली थी और वहां पर होस्टेज होल्ड करे थे ईरान ने 1970s की, मैं आपको बात बता रहा हूं, तो वो टाइम पे 444 दिन तक ये हुआ था और 52 होस्टेजेस जो थे वहां पर कैप्चर कर लिए गए थे। इस प्रकार से वो 52 नंबर जो है डोनाल्ड ट्रंप के जहन के अंदर है, को ध्यान में रखते हो उन्होंने धमकी दी है, लेकिन पुरानी जो चीजें हैं उसके रिलेटेड आप वॉर क्राइम्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। मैदान इमाम इमाम में है, गोलिस्तान पैलेस इमाम में है, तख्ते सुलेमान इमाम में है, लेकिन पालमायरा सीरिया में है। देयरफॉर द आंसर कैन बी ओनली एंड ओनली सी। मूविंग अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग लाइसोसोमल डिजीज डिसऑर्डर्स, क्यों बात कर रहा हूं इसके बारे में, मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है तमिलनाडु के चीफ कैबिनेट ये अपना स्टेट सेक्रेटरी को, जो हाईएस्ट लेवल का चीफ सेक्रेटरी जो लेवल का है, कि भैया तुम एक काम करो, यूनियन लेवल के ऊपर बात करो तुम्हारे सेक्रेटरी से, हेल्थ के सेक्रेटरी से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सेक्रेटरी से बात करो और एक प्रकार से एक मैकेनिज्म तैयार करो सच दैट कि ये जो लाइसोसोमल डिजीज डिसऑर्डर्स है इससे रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं उनको एक प्रकार से केयर प्रोवाइड करी जा सके। मद्रास हाईकोर्ट ने ये चीज क्यों बोली, क्यों जो लोग एलएचडी से सफर करने लग रहे हैं और खासकर जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनके प्रति स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि उनकी हेल्प करें, क्योंकि आर्टिकल 21 एज वेल एज आर्टिकल 47 के अंदर ये बोला गया है कि राइट टू लाइफ है एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एट एवरी लेवल को काम करना है सच दैट कि जो लोग परेशान है और हेल्थ वगैरह उनकी खराब है के लिए अच्छा काम करा जा सके। तो ध्यान में रखते हुए मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट आया जो द हिंदू के अंदर बहुत बड़ी तरीके से रिपोर्ट हुआ है, को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया है कि लाइसोसोमल डिजीज डिसऑर्डर्स तीन स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया रिगार्डिंग एलएचडी और आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ये बताया कि इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, दूसरा ये बताया कि इसके अंदर क्या कैसा होता है ना कि अबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ वेरियस टॉक्सिक मटेरियल्स इन द बॉडी सेल्स होता है बिकॉज ऑफ एंजाइम डेफिशिएंसी। तीसरा ये बताया कि दे आर कवर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैप की पॉसिबिलिटी क्या है, ये इनहेरिटेड ना हो, शायद मैं डेवलप करता हूँ, इनहेरिट मैंने शायद ना करा हो, ये इनहेरिटेबल डिजीजेज ना हो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। दूसरा ये है कि इसके अंदर इन लोग बोल रहे हैं कि टॉक्सिक मटेरियल बिल्डअप हो जाता है सेल्स के अंदर बिकॉज ऑफ एंजाइम डेफिशिएंसी, शायद एंजाइम ज्यादा होने की वजह से, एक्सेस एंजाइम होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, ये भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ऐसा है कि नहीं है ये आपको डिसाइड करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की NPTRD जो है, दैट इज नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेज के अंदर शायद हमने रेयर डिजीजेज दुनिया भर की कवर करी हो सकता है, लेकिन हमने शायद एलएचडी को कवर ना करा हो, ये भी हो सकता है। तो कौन सी चीज हो सकती है और कौन सी चीज नहीं हो सकती है करेक्ट, उसके हिसाब से आपको चुनना है और ऑप्शन आपके सामने मैंने रख दिए हैं, जो भी आपको सही लगता है उसके हिसाब से अपना आंसर चुनेंगे, आंसर लॉक करेंगे, आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूं। आंसर इसका है डी, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। मोटी बातें तो मैंने आपको सारी बता दी है, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, क्यों आया है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 47 को ध्यान में रखते हुए आया है, तो इसके बारे में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट ऐसा है कि इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको बता दिया है, ये सारी चीजें आपको लिख लेनी चाहिए। इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ेगा, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करवानी पड़ेगी, सबस्ट्रेट रिडक्शन थेरेपी करवानी पड़ेगी, तो ये तीन प्रकार से आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, स्टेट गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती है, को ध्यान में रखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि केंद्र सरकार से बात करो और मॉडल तैयार करो कि कैसे इसके अंदर हेल्प करवाओगे। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर जो है, जिसको हम लोग एलएचडी भी बोल रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी 50 प्रकार की डिजीज आती है, कम से कम 40-45 डिजीज आती है जिसको एलएचडी के अंदर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं।
उन्हीं के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपके सामने लाया हूँ। गॉचर डिजीज, फैब्री डिजीज, नाइमेन पिक डिजीज, हंटर सिंड्रोम, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज 2, एज वेल एज टेसैक्स डिजीज। क्यों लाया हूँ मैं ये नाम आपके सामने? कल को आपको यही नाम देकर पूछते कि भैया ये बताओ क्या है, अगर आपको ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन बचेगा, बड़ा दुखद एरिया, खराब सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, मतलब नहीं होना चाहिए प्रकार की डिजीज, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बनता है इन डिजीजेस के ऊपर तो आपके लिए फिर वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि गॉचर डिजीज लिख लेना चाहिए, उसके आगे स्प्लीन लिवर लिख लेना चाहिए बस, और ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए अपने को। फैब्री डिजीज लिखना चाहिए, उसके आगे स्किन रैश लिखना चाहिए। निमेन पिक लिखना चाहिए, उसके आगे लंग डिसफंक्शन और CNS डैमेज लिख देना चाहिए। ग्लाइकोजन, और इसी प्रकार से आपको 6-7 वर्ड पर डिजीज आपको कॉपी डाउन कर लेने चाहिए, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि LHD क्या है। और LHD क्या है कि देखिए कैसा होता है ना, कि जो आपके बॉडी के अंदर लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको ब्रेकडाउन करना बहुत जरूरी है, और उनको ब्रेकडाउन करने के लिए एंजाइम होना बहुत जरूरी है। अगर ये एंजाइम नहीं है तो ये लोग अक्यूमुलेट हो जाएंगे, ये लोग अक्यूमुलेट हो जाएंगे, उसकी वजह से ये लोग टॉक्सिन्स बन जाएंगे, ये लोग जो है सेल्स को नॉर्मल फंक्शन करने नहीं देंगे, सेल्स नॉर्मल फंक्शन कर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से सेल बर्बाद हो जाएंगे, बायोलॉजी बर्बाद हो जाएगी, बॉडी डिसफंक्शनल हो जाएगी, और वही तो है आपका लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, उसी के बारे में हम बात करने लग रहे हैं। तो जब आपके बारे में ये पूरी जानकारी क्लियर हो चुकी है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि NPTRD कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर सेंट्रल लेवल के ऊपर हम लोग 100 करोड़ का फंड बनाएंगे, स्टेट लेवल के ऊपर फंड बनाएंगे, और स्टेट लेवल का जो फंड बनेगा उसमें केंद्र सरकार कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, और इसी फंड के अंदर LHD को भी हम लोग ने कवर करा हुआ है, यानी कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स को भी हमने कवर करा हुआ है। उसके अलावा जनवरी 2019 का करंट अफेयर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी गई है फॉर रेयर डिजीजेस फॉर दोस पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन अंडर राष्ट्रीय आरोग्य निधि। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। आज का मेरा आपका होमवर्क नंबर 2 ये है। पहला मैं लैंग्वेज से रिलेटेड आपको पूछ चुका हूँ, दूसरा होमवर्क नंबर मैं टू ये पूछना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि ये क्या है, इसके बारे में आप मेरे को 4-5 पॉइंट निकाल के बताइए कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि क्या है। क्यों पूछ रहा हूँ, प्रीलिम्स के अंदर आपको रैन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मेंस के अंदर अगर आप कोई हेल्थ से रिलेटेड आंसर लिख रहे हैं तो उसके अंदर आप रैन से रिलेटेड बात लिख सकते हैं, ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये मैंने आपको दोनों होमवर्क बता दिए हैं। हिंदू के अंदर का बड़ा शानदार आर्टिकल है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको मजा नहीं आना चाहिए, क्योंकि दुखद सब्जेक्ट है, लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा सारी चीजें। LHD के बारे में क्वेश्चन है, इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, सही बात है। अबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ वेरियस टॉक्सिक मटेरियल, सही बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NPTRD चालू करा हुआ है, सही बात है। देयरफॉर द आंसर कैन बी ओनली एंड ओनली डी। आई होप आपको सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने लग रही है और शानदार ढंग से आपको सारी चीजें समझ में आने लग रही है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चल्ला केरे के बारे में, सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दीजिए चल्ला केरे कहां पर है, न्यूज में क्यों है? इसरो, DRDO, BARC, हर एक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन चल्ला केरे के अंदर कोई ना कोई सैटेलाइट, कोई ना कोई फैसिलिटी बनाने लग रही है, कोई ना कोई सेंसिटिव इंस्टॉलेशन करने लग रही है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। चल्ला केरे के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता अगर भारत सरकार ना चाहे कि वहां पर आप ना जाए, तो इतना ज्यादा वो हाई सेंसिटिव वाला जोन है, इतना ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाला वो जोन है। आप केवल इतना बता दीजिए कि चल्ला केरे कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, तेलंगाना के अंदर है, कर्नाटका के अंदर है। जो भी आपका आंसर उसको आप लॉक करेंगे, आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूं, आंसर इसका है डी, कर्नाटका। क्यों न्यूज में है? आपको न्यूज में इसलिए क्योंकि इसरो वाले जो है वहां पर एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हब बनाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग गगनयान जब एक बार चालू कर देंगे तो हम लोग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो हर दूसरे तीसरे साल हमारी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जाने वाली है, और हम लोग जो है मतलब बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं, अंतरिक्ष के अंदर हमारा इंडियंस को भेज के ही हम रहने वाले हैं। तो इसरो वालों ने क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि गगनयान को आज कर दिया कल भूल गए, ऐसा नहीं है, वो इंडिया का सस्टेंड ह्यूमन फ्लाइट प्रोग्राम रहने वाला है, स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम रहने वाला है, को ध्यान में रखते हुए HSFC हमने बनाया, यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, जिसको जनवरी 2019 के अंदर रिबन काट दिया था हमने। अब उसका हमने परमानेंट लोकेशन भी डिसाइड कर लिया कि उसको चल्ला केरे के अंदर हम लोग एस्टेब्लिश करने वाले हैं। गगनयान की तो सारी की सारी ट्रेनिंग हमारा दोस्त रशिया हमारे को करवाने वाला है, उसके अंदर रशिया हमारे से पैसा भी लेगा, हमारे को बहुत खर्चा भी करना पड़ेगा, लेकिन आगे आने वाले जितने भी प्रोग्राम रहेंगे उसकी ट्रेनिंग हम खुद ब खुद अपने घर में करेंगे। पूरा वन स्टॉप सेंटर हमने तैयार करके लेना है। कहाँ पर तैयार करके रखना है? चल्ला केरे इन चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। अब ये इतना इंपॉर्टेंट, इतना प्यारा वाला मैंने आपको पिक्चर रखना है कि आप देख सकते हैं BARC, इसरो, KHB, DRDO, IISC हर प्रकार की चीज़ यहाँ पर बनने लग रही है। मतलब इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बहुत प्यारा लगा ये फोटोग्राफ। आप इसको जरूर सेव करके रखिएगा और भगवान से जरूर प्रे करिएगा कि ये सिटी एकदम सक्सेसफुल रहे और एग्जाम में आए और आप भी सक्सेसफुली इसका आंसर दे दें। मूविंग अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम के बारे में। हमारे के सिवन साहब यानी कि इसरो के जो चीफ है, उन्होंने इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम के बारे में हाल फिलहाल में न्यूज दी। इसी IDRSS के बारे में मैंने आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट आपको यह बोल रहा है कि यह कंटिन्यूअस रियल टाइम कम्युनिकेशन करवाएगा बिटवीन लो अर्थ ऑर्बिट्स
एंड मतलब लो अर्थ ऑर्बिट बाउंड स्पेस क्राफ्ट एज वेल एज ग्राउंड स्टेशन। स्पेस क्राफ्ट ये कुछ नहीं होता, एयरक्राफ्ट हवा में चलता है, स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में जाता है, बस इतनी सी बात है लेमैन टर्म्स के अंदर बात करूँ तो। तो जो स्पेस क्राफ्ट को हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में भेज रहे हैं तो उस स्पेस क्राफ्ट के साथ बात बात करनी पड़ेगी ना कि भाई तुम कहाँ पहुँचे हो, किधर हो, क्या हो, स्पीड कैसी चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। तो वो सारी प्रकार की बात करवाने के लिए हमारे को IDRSS हेल्प करेगा, ऐसा आपको स्टेटमेंट वन बोलने लग रहा है। स्टेटमेंट टू आपको बोल रहा है कि इट विल एनेबल इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी कि अगर सैटेलाइट्स लगी हुई है 2, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे सैटेलाइट लगी हुई है तो सैटेलाइट आपस में बातचीत कर सके, ऐसा स्टेटमेंट टू बोल रहा है। स्टेटमेंट थ्री बोल रहा है कि IDRSS के जो सैटेलाइट्स हैं उनको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्लेस करने वाले हैं। ट्रैप क्या है, ऐसा हो सकता है कि भैया IDRSS का और ये जो स्पेस क्राफ्ट है इनका कोई लेना देना ना हो, ये कोई और ही चीज के लिए बनी हो, स्पेस क्राफ्ट के लिए कुछ और चीज का कम्युनिकेशन का इंतजाम हम करेंगे, तो IDRSS शायद उससे रिलेटेड ना हो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन पहली बार सुना होगा आपने, शायद कोई ऐसी चीज होती नहीं, कैसे सैटेलाइट एक दूसरे से बात करेंगे, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, शायद ऐसा कुछ ना हो। और ऐसा हो सकता है कि लो अर्थ ऑर्बिट में इसको ना प्लेस कर रहे हो, इसको शायद कोई और ऑर्बिट में प्लेस कर रहे हो, यहां पर जबरदस्ती लो अर्थ ऑर्बिट लिख दिया गया है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको चुनना है, आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूं, आंसर इसका है ए, यानी पहले दो स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रखा जाने वाला है। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि बहुत सारे सैटेलाइट्स, एटलीस्ट 3, 4, 5, 6 सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं अंडर IDRSS। IDRSS के अंदर क्या होगा ना कि एक दो सैटेलाइट जब चलते हैं या सैटेलाइट जब बेसिकली अपने ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं तो सैटेलाइट को मालूम रहनी चाहिए कि एक दूसरे की पोजीशन क्या है ताकि वो एक दूसरे से टकरा ना जाए, सबसे बड़ी आती है। तो उस प्रकार से इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम स्पेस क्राफ्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो हम गगनयान भेजने वाले हैं, तो उस गगनयान से बात भी तो करनी पड़ेगी ना, तो बात करने का तामझाम कैसे होगा, तो बात करने का तामझाम ये IDRSS है और हमारा गगनयान जाने के पहले IDRSS तैयार हो जाएगी। 2020 के अंदर ही इसरो इसको लॉन्च कर देने वाली है और हर प्रकार का फिर हमारा जो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो भी एक्टिविटीज रहने वाली है उसके अंदर कम्युनिकेशन, उसके अंदर ट्रैकिंग, उसके अंदर मॉनिटरिंग, उसके अंदर सारी सारी चीजें बेहतर ढंग से हो पाएगी बिकॉज ऑफ IDRSS। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिए। 2000 किलो की ये सैटेलाइट रहने वाली है और इसको हम लोग बहुत जल्दी जल्द लॉन्च करने वाले हैं और पक्का UPSC इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछने वाली है, पूरा दिल से मैं आपको बोलने लग रहा हूं। अब आपको जो समझ में आ गया तो लो अर्थ ऑर्बिट गलत है, जैसे ही आपको यह मालूम पड़ गया गलत है द आंसर कैन बी ओनली एंड ओनली ए, ये हो जाता है हमारे डिस्कशन का एंड। ठीक है, आपको ये सारे आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, शानदार ढंग से आपको सारी चीजें समझ में आएगी, होप करता हूं आपको मजा आए। मजा आए तो आप वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिविल शिप ने आपके लिए क्रैश कोर्स, परिश्रम, मेंटरशिप प्रोग्राम, जिज्ञासा, स्थापना, प्रयास, हर प्रकार का इनिशिएटिव लॉन्च करा हुआ है केवल आपके लिए। हर चीज का आपको फायदा उठाना चाहिए, रैंक आपको निकालना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।